लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, उसको कैसे सॉल्व करना है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि fx इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, और इसका क्या फाइंड करना है आपको, डोमेन फाइंड करना। ठीक है, तो अब देखो इसका डोमेन फाइंड करते समय, अब स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट क्या कहता है कि स्क्वायर रूट वैसे तो कहता है कि मेरा इनपुट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऐसे स्क्वायर रूट कुछ कहता है। लेकिन क्योंकि स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है तो वो इनपुट को एज इक्वल टू जीरो नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्लियर है? क्योंकि यस सर, अगर, वरना नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हाँ, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू आपकी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, एंड सो ऑन। तो इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई, 1 से स्टार्ट हुई। अच्छा, अगर इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई तो अंदर वाली चीज जो है उसको भी 1 से स्टार्ट होना चाहिए था। जैसे मैंने डिस्कस किया था, क्या कहते हैं, GIF की इनइक्वालिटी में। ठीक है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो 1 से इन्फिनिटी हो। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर देते थे। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा होता, ये वाली चीज आपकी क्या होती, पाई बाय टू। अच्छा, पाई बाय टू मतलब 1.5 कह रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे 1 पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब इस 1 के ऊपर वाले, इसका मतलब ये वाला ग्राफ, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ग्राफ, दिस ब्लू वाला ग्राफ। ठीक है, अच्छा ये एंड कहाँ पे होता था वैसे, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ 1 पे एंड होता था। अच्छा, ये क्या होता वो जानना इम्पोर्टेंट है। तो देखो ये जो है वो वाई की वैल्यू है, मतलब ये जो है वो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 के कारण आया, मतलब एक्स क्या हो जाएगा हमारा, साइन 1। तो ये जो पॉइंट है वो क्या हो गया आपका, साइन 1। तो इस ब्लू वाले ग्राफ के करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस कहाँ से कहाँ तक होता, ये वाला होता। ठीक है, एक्स एक्सिस अगर हमारा यहाँ से यहाँ तक होता तो हमारा एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता, साइन 1 से लेके 1 तक। समझे सब लोग? यस सर। सर आप वो लास्ट का साइन 1 to 1 वापस एक बार बता सकते हो? देखो ये साइन 1 कैसे आया ये समझा? यस सर। तो देखो जैसे ये जो ब्लू ग्राफ है उसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट्स होंगे, यहां से लेके यहां तक पॉइंट्स होंगे ना। जैसे यहां से तुम यस ऐसे सर। ड्रॉप करो, यहां से वो ड्रॉप करो, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर टाइप का एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करो, तो यहां से लेके यहां तक पॉइंट्स होंगे। तो उसी को मैंने क्या किया, ब्लू कलर से शेड किया और उसी की एक्स की रेंज बता दी कि एक्स यहां से यहां तक वेरी करेगा। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, ओके, सो आज का क्लास चालू किया जाए हम लोग फिर, उसके लिए दूसरा पेज था हमारा। ओके चलो, सो आज हम लोग को क्या सीखना है, एक बार जीआईएफ से रिलेटेड जो है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, जीआईएफ से रिलेटेड इनइक्वालिटी रिवाइज कर लेते हैं। तो जीआईएफ से रिलेटेड इनइक्वालिटी में क्या होता था कि जैसे मान लो जीआईएफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो हम लोग पहले क्या करते थे, पहले पहले सॉल्यूशंस लिख लेते थे, कुछ पॉइंट्स लिख लेते थे।
पहले उसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते थे। अब उस पॉइंट्स लिखने के बाद अपने क्या करते थे, जो एक्सट्रीम वाला पॉइंट है ठीक है उसको देखते थे। जैसे उधर वाला एक्सट्रीम तो क्या है, इन्फिनिटी है, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, जो ये वाला एक्सट्रीम है उसको देखा। तो टू पाने के लिए तुम सोचो, तुमको दिमाग लगाना है, मतलब कि क्या एक्स टू हो सकता है? हाँ यस। 1.99 हो सकता है क्या एक्स? नहीं नहीं हो सकता, मतलब टू से स्टार्ट करूंगा और इन्फिनिटी तक चला जाऊंगा। सिमिलरली जैसे ये एग्जाम्पल वन है, एग्जाम्पल टू एक और देख लेते हैं। से अगर हमारा हो जाता है जी आई एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 7, तो मैं क्या लिखता है जी आई एफ ऑफ एक्स, जैसे 6 से स्टार्ट होता है, लेस देन 7 है, लेस देन इक्वल टू नहीं है 5 डॉट डॉट डॉट। अब इसका एंड पॉइंट क्या है, इसका एंड पॉइंट है अपना 6, तो इसका एंड पॉइंट अगर 6 है तो अब देखो तुमको ऐसे सोचना है कि x की वैल्यू 6 पुट कर सकता हूं मैं, हाँ 6.1 पुट कर सकता हूं, यस सर यस, तब भी उसका जी आई एफ तो 6 बनता। 6.99 तक पुट कर सकता हूं, 7 पुट कर सकता हूं क्या? नहीं 7 नहीं, ओपन ब्रैकेट और इधर माइनस इनफिनिटी, ठीक है। तो ये छोटा सा डिस्कशन हो गया जी आई एफ से रिलेटेड, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था, बस रिवाइज किया अभी। ओके अब क्या है, अब आज का टॉपिक है डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ वाले का डोमेन। तो उसमें तीन टाइप आते हैं। टाइप वन में जो आता है वो आता है साइन इनवर्स वाला फंक्शन एंड कॉस इनवर्स वाला फंक्शन। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों क्या कहते हैं कि मेरा जो इनपुट है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स बोथ ऑफ देम विल से व्हाट, कि मेरा इनपुट जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो कंडीशन क्या है डोमेन की साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के लिए, दैट इनपुट शुड बी बिटवीन -1 से +1, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू फ्यू क्वेश्चंस ऑन सच टाइप। तो जैसे एग्जांपल या क्वेश्चन जो भी तुम लिख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x-5, फाइंड डोमेन। एकदम वार्म अप क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा, फाइंड डोमेन। चलो जल्दी से, बाकी स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑन करो जल्दी से। सर हाँ आंसर भेजा सर, चैट में हाई लिख दो ना। एक मिनट को एवरीवन हाय सर, मैं 2 मिनट पहले ऑफलाइन गया था, अपने कुछ मतलब क्या बताया मैंने, बस ये बताया कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं से साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, ये लोग अपनी रिक्वायरमेंट क्या रखते हैं, उनके जो इनपुट्स होने चाहिए दैट शुड बी बिटवीन -1 एंड +1, ठीक है। तो जैसे अब पहला क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x-5 और इसका डोमेन फाइंड करना। तो उसके पहले वो क्वेश्चन ही समझाया ना पिछले क्लास में। हाँ हाँ उसके पहले क्वेश्चन समझाया था, और ये जो है वो जी आई एफ की इनइक्वालिटी रिवाइज कराई थी अभी थोड़ी देर पहले, बस जो लास्ट क्लास में किया था। ओके सो लेट्स सॉल्व इट। तो 2x-5 दिस शुड बी बिटवीन -1 से +1। अब क्या करना है आपको, 5 को इधर लेके चले जाना है, तो 5-1 4 हो जाएगा,
2x एंड 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, 2 को इधर लेके आ जाना है, 2 को डिवाइड कर, 2 से डिवाइड कर देना है, तो बस आ गया हमारा आंसर, x बिलोंग्स टू व्हाट, 2 से। सर इनका डोमेन क्या होता है, माइनस 1 और 1 के बीच में? हाँ, साइन इनवर्स हो जाए या कॉस इनवर्स हो जाए, ये लोग, अब ये लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका इनपुट जो है वो माइनस वन से वन होना चाहिए उनके बीच में, या माइनस वन और वन भी इंक्लूड हो सकता है, जैसे यहाँ पे इक्वालिटी लिखी हुई है ना, ठीक है। हाँ सर, चलो गुड। अब एक क्वेश्चन और, थोड़ा स्क्रॉल अप करो ना, एक मिनट क्वेश्चन लिख लो, स्क्रॉल अप करता हूँ। fx is equal to से है अपना cos inverse x square minus 5x plus 5, x square minus 5x plus 5, इसका डोमेन फाइंड करना, ठीक है, इसको अलग देख लो भाई। ओके, डन सर। डन सर, सो ये क्वाड्रेटिक विथ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का होगा जैसा होगा, क्या कह रहे हो, क्वाड्रेटिक? सर आपने रेंज निकालना बताया था, क्वाड्रेटिक विथ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, इसका उल्टा हो गया कैसे? नहीं, वैसे टाइप का नहीं, मतलब ये दो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने टाइप का क्वेश्चन है। सब भेजा आपको, 1 से 2 यूनियन 3 से 4, हाँ, बट 1 से 2 यूनियन 3 से 4, तो कॉस इनवर्स क्या कहेगा, व्हाट विल कॉस इनवर्स से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इनको कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, माइनस 1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, दो अलग अलग इनइक्वालिटी लेते हैं, तो जैसे पहली इनइक्वालिटी ले ली, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, और दूसरी ये वाली ले ली, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, दोनों के बीच में बताओ कौन सा साइन लगना चाहिए, एंड या और, इंग्लिश वाला एंड लगना चाहिए। अच्छा, एंड लगने का क्या मतलब होता है, सॉल्यूशन सेट के बीच में इंटरसेक्शन, यस। अच्छा, माइनस वन को इधर लेके आ गए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोले तो सॉल्यूशन सेट क्या, अवे फ्रॉम द रूट्स, अवे फ्रॉम द रूट्स 2 3, अवे फ्रॉम द रूट्स की बात अगर की जाए, मतलब ऐसे टाइप का चीज, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब 1 इधर लेके आ जाओ, उसे इसका सॉल्यूशन सेट आ गया भाई, इसकी बारी है अब, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, क्वाड्रेटिक लेस देन 0 सॉल्यूशन सेट होता है, बिटवीन द रूट्स, बिटवीन द रूट्स होता है, तो कुछ यू टाइप का हो गया, तो x बिलोंग्स टू 1 से 4। अब इन दोनों के बीच में एंड लग रहा है, एंड लग रहा है मतलब इंटरसेक्शन लग रहा है, तो इंटरसेक्शन लग रहा है, तो अब क्या करना पड़ेगा हम लोग को, एक लंबी सी नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, जिसके ऊपर हम लोग 1 2 3 4 ऐसा लिख लेंगे। तो ये बंदा क्या कह रहा है, 2 से छोटा या 3 से बड़ा दे दो, और ये बंदा क्या कह रहा है, 1 से 4 के बीच में दे दो। जिनके बीच में एंड लग रहा होता है उनको हम लोग डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस पे प्लॉट करते हैं, याद करो वो उस समय हम लोग ने
यस सर बताया था. तो जो ओवरलैपिंग पार्ट है वो ये ब्लू कलर वाला शेड किया हुआ. तो x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 3 से 4 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया. सर हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किस में यूज करते हैं? फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम लोग रेंज निकालने के लिए यूज करते हैं. हाँ तो वो हम लोग रेंज निकालने के लिए करते हैं. ठीक है वो अभी मैं सिखाऊंगा कैसे करना है. रेंज तो अभी सीखना बाकी हम लोग को. पहले डोमेन कर लेते हैं. टेस्ट में डोमेन आपने थ्योरी में बताया था, मुझे लगा इसका कुछ कनेक्शन नहीं था. नहीं नहीं चलो सो शैल वी मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स. से ये एफ एक्स है. क्या है ये एफ एक्स है. देन फाइंड रेंज नहीं फाइंड डोमेन. फाइंड व्हाट डोमेन. यस गुड आदित्य उल्टी. कुछ कुछ लोगों ने गलत कर दिया, थोड़ा सा गलत कर दिया. तो देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स में यही होती है, कभी कभी गलती हो जाती है. जैसे साइन इनवर्स क्या कहेगा, साइन इनवर्स कहेगा कि मेरा इनपुट माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए. फिर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है. वैल्यूज ले लेते थे. वैल्यूज ले लेंगे 0, 1 एंड -1. फिर एंड पॉइंट्स को देखा हम लोगों ने. तो एंड पॉइंट्स को देखने के लिए x बिलोंग्स टू, अब देखो माइनस वन लाने के लिए ठीक है, मान लो x की वैल्यू माइनस वन तो हो सकती है. अब माइनस वन से छोटी हो सकती है क्या, जैसे मान लो -1.1 हो सकती है क्या x की वैल्यू. नहीं सर -2 हो जाएगा उसका. तो VIF -2 हो जाएगा, मतलब मैं -1 तक ही रिस्ट्रिक्टेड रह जाऊंगा. अच्छा 1 पाने के लिए क्या x की वैल्यू 1.99 हो सकती है. यस 2 नहीं हो सकते, 2 तक नहीं पहुंच पाएंगे. तो 2 पे ओपन रखें. ठीक है तो दिस विल बी आर आंसर. ये हमारा आंसर होगा. समझ में आई बात. ये क्लियर है सबको, किसी को डाउट. fx is equal to sin inverse sin x, ठीक है, and gx is equal to sin of sin inverse x. So find domain of fx
एंड जी एक्स, मतलब फर्स्ट पार्ट एफ एक्स का है और दूसरा पार्ट जी एक्स का डोमेन फाइंड करना। दो अलग अलग क्वेश्चन है ये, और ये बताओ, देख के बताना है कि डोमेन दोनों का सेम आएगा कि अलग आएगा, सेम इंटरवल आएगा कि अलग इंटरवल आएगा। यस गुड आदित्य, यस श्रीकांत, गुड। हाँ मोहित का सही है, पर एफएक्स का ऑल रियल नंबर्स आएगा, जीएक्स का कुछ अलग आएगा। चलो लेट्स टॉक अबाउट एफएक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। साइन इनवर्स साइन एक्स, एफएक्स इज व्हाट, साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। तो तुम ऐसे सोचो कि जो साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स अपनी डिमांड क्या पेश करेगा, साइन एक्स माइनस वन से वन के बीच में जो साइन एक्स जो है माइनस वन से वन के बीच में हो जाए, जो कि सही बात भी है, मतलब सारे एक्स के लिए ये ट्रू होना चाहिए। हाँ। और अदरवाइज मैं ग्राफिकली भी शो कर सकता हूँ इस चीज को, जैसे मान लो हम लोगों ने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तो ऐसे टाइप का ग्राफ हो गया हमारा साइन एक्स का, ऐसे चलता चला जाता है। अच्छा, इन्होंने जो दो पॉइंट्स दिए हैं वन और माइनस वन, वो फॉर्चुनेटली यही वाले हुए, अग्री करोगे, ये माइनस वन है और ये वन है। अच्छा, डोमेन क्या कह रहा है कि माइनस वन से वन के बीच वाले ग्राफ को शेड करने को बोल रहा है, कुछ ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो कौन सा ग्राफ शेड होगा, क्या ये एंटायर ग्राफ शेड हो जाएगा, क्या जितना पूरा ग्राफ है पूरा शेड हो जाएगा? अच्छा, अगर पूरा एंटायर ग्राफ शेड हो गया मतलब पूरा एक्स एक्सिस कवर हो गया, तो डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी या ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या पहला पार्ट क्लियर है अपने को? यस सर। चलो किसी को डाउट है फर्स्ट पार्ट में, किसी को डाउट, एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? और देखो, एक तो मैंने ग्राफ से दिखाया और एक मैं ऐसे भी सोच सकता था, तुम ऐसे सोचो कि मैं x जो है कुछ भी डालूं, कोई भी चीज डालूं, तो sin x जो भी आउटपुट देता हमेशा वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा होता कि नहीं कर रहा होता, कोई जो भी आउटपुट देता sin x, अगर तुम x कोई भी डालो तो कर रहा होता, मतलब हर x की वैल्यू एक्सेप्टेबल होती, इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाता। अच्छा, जैसे मान लो कभी ऐसे आ जाता साइन एक्स बिटवीन माइनस टू से प्लस टू, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होना चाहिए था, व्हाट शुड बी द सोल्यूशन सेट सर? ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। यस, अगेन ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, क्योंकि तुम एक्स की कोई भी वैल्यू डालते
साइन जो भी आउटपुट देता वो कहां से कहां तक आउटपुट देता, बिटवीन माइनस वन एंड वन के बीच में आउटपुट देता, और वो इसको सेटिस्फाई कर रहा होता। और इफ यू वॉन्ट टू थिंक इट ग्राफिकली, तो जैसे टू यहां पे आ जाता आपका, और माइनस टू कहां पे आ जाता, नीचे आ जाता, और बिटवीन की बात हो रही है, मतलब इन दोनों लाइंस के बीच के ग्राफ को शेड करने की बात हो रही है। तो अगेन क्या वही कंप्लीट ग्राफ शेड हो रहा होता क्या, पूरा के पूरा ग्राफ इन दोनों लाइंस के बीच में? हाँ सर। हाँ, तो अगेन इसका जो सॉल्यूशन सेट आता वो क्या आता, ऑल रियल नंबर्स आता, जैसे इस वाले केस में x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ये समझ में आया? बोलो बच्चों, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, नाउ लेट्स कम टू सेकंड पार्ट, gx वाला पार्ट, साइन ऑफ साइन इनवर्स x। लेट्स कम टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। अच्छा तुम ये बताओ कि साइन को कोई नाटक होता है क्या इनपुट लेने में? नहीं। नहीं। साइन कुछ नानुकुर करता है कि नहीं, मेरे को ये चाहिए या ये नहीं चाहिए या ये एक्स वाई जेड, कुछ ऐसे नानुकुर करता है साइन? नहीं, नहीं करता। नहीं सर। तो साइन ये कहता कि भाई साइन इनवर्स एक्स, तुम जो भी आउटपुट दोगे मैं उसको रेडिली एक्सेप्ट कर लूंगा। साइन साइन इनवर्स एक्स से क्या कहता कि तुम जो भी आउटपुट दोगे मैं उसको रेडिली एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन हाँ, मेक श्योर साइन इनवर्स एक्स को यह कहता कि तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो रहा हो। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स को कोई नौटंकी होती है क्या, उसको कुछ हाँ. होता है? साइन इनवर्स एक्स नानुकुर करता है? हाँ, हाँ. साइन इनवर्स एक्स क्या कहेगा हाँ. कि मेरा इनपुट जो है माइनस वन से वन के बीच में होगा, माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए। तो अगर मैं एक्स माइनस वन से वन के बीच में डाल दिया तो उससे क्या हो जाएगा, उससे साइन इनवर्स एक्स कुछ एक मीनिंगफुल आउटपुट देगा। और साइन इनवर्स एक्स अगर मीनिंगफुल आउटपुट दिया तो साइन ने उसको रेडिली एक्सेप्ट कर लिया और सब सही हो जाएगा। एंड इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व दिस ग्राफिकली, अगर तुम ग्राफिकली इस चीज को विजुअलाइज करना चाहते हो, तो साइन क्या कहेगा, मेरे को कोई भी इनपुट चलेगा, मतलब साइन इनवर्स एक्स माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो जाए चलेगा। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे हम लोग, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते थे। जैसे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता, वो तो ऐसे टाइप का होता, यहाँ वन होता और यहाँ माइनस वन होता। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी, तो प्लस इन्फिनिटी मान लो यहाँ हो गया और माइनस इन्फिनिटी मान लो यहाँ हो गया, तो इनके बीच वाले ग्राफ को शेड करने को कह रहा है। तो बीच वाला ग्राफ कैसा शेड होता साइन इनवर्स एक्स का, ये पूरा के पूरा शेड हो जाता। आ रही है बात समझ में? सर एक और बार रिपीट कीजिए ना ये वाला जीएक्स वाला पार्ट। जीएक्स वाला पार्ट देखो, साइन क्या कहता, साइन को इनपुट लेने में साइन क्या क्या इनपुट ले सकता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारे इनपुट ले सकता है। तो साइन जो है साइन इनवर्स एक्स को कहता कि तुम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो जाओ। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, जैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का ये ग्राफ ड्रॉ किया मैंने, और ये जो लोएस्ट पॉइंट है और ये जो अपर पॉइंट है उसको मैं ऐसे प्लॉट कर देता, एक माइनस इन्फिनिटी एकदम नीचे हो जाता, एक प्लस इन्फिनिटी एकदम ऊपर हो जाता। साइन इनवर्स एक्स को इसके बीच वाले को होना चाहिए, तो बीच वाला ये पूरा के पूरा ग्राफ शेड हो जाता। इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स होता वो क्या होता, ये वाला होता हमारा उसके करस्पॉन्डिंग एक्स। तो एक्स कहां से कहां तक वेरी किया, एक्स वेरी किया माइनस वन से वन तक, जो यहां पे भी आया था हमारा। आई बात समझ में? बोले स्टूडेंट्स ये चीज क्लियर है?
यस सर यस सर स्टेटलाइन ग्राफ होता है क्या? हाँ क्या कह रहे हो? सर ये जी ऑफ एक्स क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा, तुम्हारा साउंड कट रहा है। नेट कनेक्शन। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो सर। ये जी ऑफ एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहता है? हाँ जी ऑफ एक्स का ग्राफ पता है क्या होता है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे आगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है वो ऐसा होता है, माइनस वन से वन वाई इज इक्वल टू एक्स वाला जाता है, ऐसा जाता है। आई टी एफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके बाद वाला जो चैप्टर होता है उसमें ये सब पढ़ा जाएगा। ओके ठीक है। अच्छा सो ये क्लियर है? यस सर। सो शैल वी मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन हो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग ऑफ जी आई एफ ऑफ एक्स टू द बेस 10, ठीक है, प्लस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके सो फाइंड डोमेन, वही डोमेन फाइंड करना है। देखो जैसे इसमें तुमको घबराने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को करने में, धीरे धीरे स्टेप वाइज करते जाओ कि एक बार इसका डोमेन फाइंड करो, एक बार इसका डोमेन फाइंड करो, और फिर क्या करना होगा दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन तो बच्चों की आदत हो जाती है कि घबरा जाते हैं क्वेश्चन देख के कि अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर वाला तो आ गया, वो पहले वाले में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ तो उसको स्टेप वाइज करते जाओ। सर आंसर भेजो एक बार देखिए। हाँ ठीक है, अदिति का सही है। और नो मानसी थोड़ा सा गलत है, यस दिव्यांश का भी सही है।
नो आदित्य, देखो कभी भी तुम्हारा जो आंसर आया ना उसको एक बार उसके कुछ एक्स की वैल्यू पुट करके देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अनडिफाइंड तो नहीं कर रहा, तो वहां पे तुमको जो है अपने आप चीजें समझ में आने लगेगी कि मेरा सही है कि गलत है। यस हाँ सर, वो गलती से पहले एक आंसर डाल। शंकर का भी सही है, मनोज का भी सही है, आदित्य जिंदल यस करेक्ट, होम रॉन्ग, हिमानिश हिमानिश सही है, ऑलमोस्ट सही है, ब्रैकेट की बस थोड़ी सी गड़बड़ी है। नहीं मोहित, तुम्हारा तो आंसर नेगेटिव में भी चला गया, एक्स की वैल्यू नेगेटिव में भी चली गई। तुम बताओ एक्स की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव पुट करता तो लॉक तो ऐसे ही भगा दिया होता उसको। ओके सो लेट्स डू इट सॉल्यूशन। पहला किसको फाइंड करना आसान है, स्क्वायर रूट को फाइंड करना आसान है। तो स्क्वायर रूट क्या कहता कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 9। सो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस 3 से प्लस 3। तो कम से कम ये तो आ गया ना हमारा, इतना आ गया हम लोग का। चलो अच्छा यहाँ पे अगर अपने देखें तो यहाँ पे कितने लोग को प्रॉब्लम है। हाँ सर लेंदी है, प्रॉब्लम नहीं हो। मैं स्टूडेंट से प्रॉब्लम नहीं पूछ रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को कितने लोग को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, कितने फंक्शंस के लिए है, तीनों के लिए। लॉग को प्रॉब्लम है सर, लॉग को प्रॉब्लम है और जीआईएफ को है। GIF को नहीं, साइन इनवर्स को प्रॉब्लम है और लॉग को प्रॉब्लम है। ठीक है तो लॉग अपना क्या कहेगा, अपनी बात रखने के लिए क्या कहेगा कि मेरा इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होगा कि GIF ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है, 1 टू इनफिनिटी तक। अच्छा साइन इनवर्स क्या कहेगा, साइन इनवर्स कहेगा कि मेरा जो इनपुट है वो माइनस 1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है तो उससे जो GIF ऑफ x की वैल्यू आएगी, ये लॉग को ऐसे उधर ले जाते हैं ना 10 के बेस को उधर ले जाएंगे, तो 10 रेस टू माइनस 1 मतलब 1/10 और 10। ठीक है तो यहां से GIF क्या क्या आता है बताओ सर, उधर माइनस और प्लस तो हम साइन चेंज करते हैं। यहाँ से जो GIF आता वो 1 से लेके 10 तक आता। ठीक है तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन हो रहा होता, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन हो रहा होता वो GIF क्या हो रहा होता, 1 से 10 तक हो रहा होता। इसका मतलब इसकी x की वैल्यू, देखो इसकी एक्सट्रीम एंड्स हम लोग ने पहचान लिए, तो इसकी x की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है तो क्या 0.99 हो सकता है क्या, no. तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे, 10 है तो क्या 10.99 हो सकता है। तो 11 पे ओपन कर दिए, तो ये जो आया ये पहले वाले टर्म का डोमेन आया और ये जो आया वो स्क्वायर रूट का डोमेन आया। अब उसका क्या करेंगे फिर हम लोग, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। लॉग में हम इनइक्वालिटी की साइन एक्सचेंज कब करते थे, जब बेस जो है 1 से छोटा हो जाए। यहाँ पे बेस क्या है, 10 है ना, वो तो बहुत बड़ा है 1 से। सर 1 से 10 कैसे है वापस बताओ, क्या हुआ 1 से 10। देखो ये और ये समझ में आया तुमको, कौन सा और ये? हाँ हाँ वो ब्लू लाइन वाला नहीं समझा अभी, ये ब्लू लाइन वाला समझा? हाँ सर। ये ब्लू लाइन वाला नहीं, देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को 1/10, 1/10 मतलब 0.1 से 10 तक होना चाहिए, तो 0.1 से जस्ट बड़ा कौन सा होता, 1 होता GIF, फिर 2 होता, कहाँ तक जाता, 10 तक जाता।
फिर लेकिन वन को जीआईएफ में डालते तो जीरो आता ना, इसको 0.1 को सर। हाँ तो 0.1 को तो मैं डाला ही नहीं ना जीआईएफ में, हमने तो जीआईएफ में क्या लिखा 0.1, ठीक है जीआईएफ ऑफ एक्स 0.1 से बड़ा होगा लेकिन जीआईएफ ऑफ एक्स तो एक इंटीजर आउटपुट देगा, इसलिए मैंने जो इंटीजर्स आउटपुट्स हैं बस वही लिखे मैंने 1, 2, 3 till 10 तक, ठीक है। अगर अगर जैसे मान लो कोई ऐसे बोले GIF of x is greater than equal to 0.1 और तुमसे पूछे कि GIF of x की पॉसिबल वैल्यूज लिखो, तो तुम पहली वैल्यू क्या स्टार्ट करते, 1 से स्टार्ट करते ना, 0.1 थोड़ा लिखते, 1 से स्टार्ट करते, 1, 2, 3 ऐसे स्टार्ट करते, तो वही किया मैंने, ठीक है सर। यस समझ गया। हाँ सो अपने को इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना था, यू आर सपोज टू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ऑफ देम, तो -3, 1, 3, 11 एक बंदा बोल रहा है -3 से +3, दूसरा बंदा बोल रहा है 1 से लेके 11, सो इनका जो ओवरलैपिंग पार्ट है वो ये है। सर इनइक्वालिटी सेपरेट करके कब लिखना है और कब डायरेक्टली करना है कैसे देखेंगे, आपने लॉग वाला इनइक्वालिटी डायरेक्टली -1 से 1 के बीच में लिया, पिछले क्वेश्चन में वैसा नहीं किया था, तो मतलब पिछले क्वेश्चन में मतलब वो स्क्वायर वाला क्वेश्चन था, एक क्वाड्रेटिक वाला। हाँ सर, क्योंकि देखो मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं कर सकता एक ही बार में, तुम बताओ कि मैं इन दोनों को बिना दो स्टेप में किए सॉल्व कर सकता हूं क्या? नो सर, नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे कोई लीनियर टर्म होता से तो मैं कर सकूंगा, जैसे मान लो अगर कोई लीनियर टर्म होता एक्स माइनस वन इज बिटवीन -1 से 1, तो ठीक है मैं इस -1 और -1 को उधर लेके चला जाऊंगा तो इसमें सॉल्व कर सकूंगा, लेकिन क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे मेरे को इनकी पेयरिंग्स लेने के बाद सॉल्व करना पड़ेगा, तो जहां पे हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकेंगे वहां पे कर लेंगे, यहाँ पे नहीं कर सकेंगे वहां पे पेयरिंग लेके करना पड़ेगा हम लोग को, तो जनरली लॉग वाले में हो जाएगा डायरेक्टली। हाँ लॉग वाले में डायरेक्टली हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। सबको समझ में आ गया बच्चों ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन? यस सर। यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। संस्कृति समझ में आया? हाँ सर। चलो गुड। ओके सो क्या ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन था क्या? नहीं सर, बस थोड़ा पेशेंस रिक्वायर्ड है क्वेश्चंस में, नथिंग एल्स। चलो अब हम लोग आते हैं दूसरे टाइप पे, जैसे अभी जो है वो टाइप वन था ना, टाइप वन में कौन आ रहा था, साइन इनवर्स और कॉस्ट इनवर्स आ रहे थे। टाइप टू में कौन आता है, टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, ठीक है। अब टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स दे कैन टेक एनी इनपुट, सो इसके इनपुट जो है कुछ भी हो सकता है, जैसे साइन एक्स कुछ भी इनपुट ले सकता है, कॉस एक्स कुछ भी इनपुट ले सकता है, तो इनके जो डोमेन होते हैं टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनके इनपुट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सब कुछ हो सकते हैं, तो टेन इनवर्स को कोई नाटक नहीं है, उसको आप जो इनपुट दोगे वो उसको खुशी खुशी ले लेगा, ठीक है। कैसा भी इनपुट दो, पॉजिटिव इनपुट दो, नेगेटिव इनपुट दो, हर एक इनपुट को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। सो बस टेन इनवर्स के अंदर जैसे मान लो कोई फंक्शन हो गया,
जैसे मान लो मैंने एफ एक्स लिख लिया, टेन एक्स का नाटक होता है, टेन एक्स का क्या नाटक होता है बताओ, कि वो पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू यहाँ पे डिफाइंड नहीं होता है, तो टेन एक्स का नाटक होता है, टेन वर्स एक्स का एफ सच कोई नाटक नहीं होता। एंड इवन इफ यू रिमेंबर द ग्राफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो टेन वर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, तो ग्राफ से देख के हम लोग ने डोमेन फाइंड करना सीखा था ना, तो देखो इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी ऑल रियल नंबर्स हो गया, समझ में आई बात। सो देखो जिनको कोई नाटक नहीं होता, जो सीधे आदमी होते हैं वो लोग क्या कहते हैं, जैसे मान लो एक घर में कुछ लोग रह रहे हैं, हाँ कुछ सीधे हैं और कुछ के रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे किसी का रिस्ट्रिक्शन है कि ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, और जो सीधा आदमी है वो चाहता है कि कुछ भी हो चलेगा, तो किसकी बात पे ध्यान दिया जाता है, रिस्ट्रिक्शंस वाले, हाँ जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो रहा है बस उसी को मनाने में लगे रहते हैं कि उसकी बात मन जाए, तो जो सीधा आदमी है उसको तो कोई इश्यू होता ही नहीं, ठीक है। जैसे मान लो कहीं ऐसा होता tan इनवर्स sin x होता, इसका डोमेन फाइंड करना होता, तो तुम ऐसे सोचो कि tan इन डोमेन फाइंड करना है, डोमेन का क्या मतलब है कि x की वैल्यू जिसके कारण एक मीनिंगफुल आउटपुट आ जाए, तो tan इनवर्स क्या कहता अपने अंदर वाले को, tan इनवर्स के अंदर वाला क्या है sin x है, tan इनवर्स कहता sin x को कि तुम जो भी आउटपुट दोगे मैं वो एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। लेकिन tan इनवर्स sin x को ये भी ताना मारता कि बस तुम अपने में कुछ गड़बड़ी मत कर देना, ठीक है, tan इनवर्स sin x को ये ताना मारता, तो sin x अब अपने बारे में सोचता, sin x कहता कि क्या मेरे को इनपुट लेने में कोई दिक्कत होती है क्या, नहीं, sin इनवर्स को सॉरी sin को खुद कोई नाटक है कोई इनपुट लेने में, नहीं नाटक है, कोई भी नाटक नहीं है, साइन सारे इनपुट ले सकता है, तो साइन सारे इनपुट ले सकता है, सारे इनपुट ले सकता है, साइन सारे इनपुट ले सकता है ऑल रियल नंबर्स, तो साइन एक्स उससे कुछ आउटपुट देता उसको टेन इनवर्स खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता, तो इस क्वेश्चन का डोमेन क्या आ जाता, ऑल रियल नंबर्स, हाँ माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, समझ में आया कि कैसे हम लोग ने इसका डोमेन निकाला। यस यस सर। ओके नाउ लेट्स टेक, मतलब ये कैसा घर था, इस घर में दो लोग रह रहे थे टेन इनवर्स और साइन, तो ये कैसा घर था, किसी को भी डिस्ट्रिक्शन नहीं है, हाँ किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग सब कुछ एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, ऐसे लिख ले हम, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे टेन इनवर्स क्या कहता, कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी चलेगा, मेरे को कुछ भी चलेगा, लेकिन साइन इनवर्स को ये ताना मारता कि भाई तुम अपना ख्याल रख लेना कि कहीं तुम अपने तरफ से कोई गड़बड़ी ना कर दो अपने इनपुट लेने के वजह से, तो फिर साइन इनवर्स ठीक है एक बार टेन इनवर्स की बात सुनता, और साइन इनवर्स खुद को क्या कहता कि मेरा इनपुट कैसा होना चाहिए, -1 से 1। तो अगर साइन इनवर्स के इनपुट की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाए साइन इनवर्स के, तो साइन इनवर्स आउटपुट दे देगा, और जो साइन इनवर्स आउटपुट देगा वो तो टेन इनवर्स हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, समझ में आई बात, इज दैट पॉइंट क्लियर। सो इसका डोमेन क्या आ गया, एक्स बिलोंगिंग टू -1 से 1।
इतना क्लियर है सर? वो साइन इनवर्स एक्स वाला पार्ट बताइए ना। देखो तुम ऐसे सोचो कि टेन इनवर्स ने सारी जिम्मेदारी साइन इनवर्स के ऊपर छोड़ दी। टेन इनवर्स ने कहा कि मेरे को कोई मतलब नहीं, बस साइन इनवर्स एक्स आप डिफाइंड हो जाओ, ठीक है? बस टेन इनवर्स ने साइन इनवर्स एक्स को यही कहा कि साइन इनवर्स एक्स आप डिफाइंड हो जाओ। तो साइन इनवर्स को डिफाइंड होने के लिए क्या होता कि एक्स को माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए था, और जैसे ही साइन इनवर्स डिफाइंड हो जाता टेन इनवर्स को कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि टेन इनवर्स तो सारे के सारे इनपुट्स को एक्सेप्ट कर सकता है। ओके सर, थैंक यू। एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल टू, साइन इनवर्स ऑफ, एक मिनट रुको, टेन इनवर्स एक्स बाय फोर, ठीक है? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स ही, चलो लिख लेते हैं, बाय फोर नहीं लिखते, टेन इनवर्स एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, और इसका डोमेन फाइंड करना हम लोग को, फाइंड द डोमेन। चलो इसको करो बच्चों, खुद से एक बार ट्राई करो। बाय फोर नहीं है, केवल टेन, टेन साइन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स। यस, वेरी गुड आदित्य। शंकर, यस शंकर, करेक्ट, गुड। यस अदिति, आदित्य प्रभाकर, थोड़ा सा गलती होगा, गलती है थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे बाहर वाला कौन आदमी है? साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स क्या कहेगा अपने अंदर वाले को कि आप जो है माइनस वन से वन के बीच में हो जाओ टेन इनवर्स एक्स को, ठीक है? अब मैंने क्या किया, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया। जब भी कभी ऐसा कुछ हो कि सम फंक्शन इज बिटवीन सम टू कॉन्स्टेंट, तो उस केस में क्या करना चाहिए हम लोग को? ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए इस केस में। तो दिस इज पाई बाय टू, दिस वन इज माइनस पाई बाय टू। अच्छा, टेन वर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है क्या, इसी टाइप का? अब इस माइनस वन और प्लस वन को प्लॉट करने की जरूरत है। तो देखो, प्लस वन यहाँ पे होता और माइनस वन यहाँ पे होता, इसका मतलब कि, और ग्राफ को इन दोनों लाइंस के बीच में होना है, इसका मतलब क्या इतना पार्ट, ये क्या हो रहा है,
क्या इतना पार्ट ग्राफ का शेड होता क्या? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई क्या? इतना पार्ट हमारा ग्राफ का शेड होता? Yes, सबको, सबको समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है भाई? सर समझ रहा है, समझ रहा है ना? हाँ जरूर समझ रहा है। तो इसे मान लो ये होता और ये होता, कुछ होती x की वैल्यू होती, तो इस ब्लू ग्राफ के करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे ये लोग अपना काम कर रहे होते और यही हमारा डोमेन होता। तो बस हमारा अभी काम क्या है कि इन दोनों पॉइंट्स को निकाल लेते हैं। अब देखो ये जो वन की वैल्यू है ये किसकी है? टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू है। तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन, मतलब एक्स इज इक्वल टू व्हाट? टेन वन। तो ये जो पॉइंट है वो क्या होगा अपना? टेन वन। अच्छा यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स दूसरे वाले में इज इक्वल टू माइनस वन, मतलब एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ माइनस वन। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो टेन ऑफ माइनस वन। और हम लोग को पता है कि अपने ट्रिग्नोमेट्री से कि टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, तो ये माइनस टेन वन आ गया। सो जो हमारा एक्स एक्सिस पे ब्लू वाला पार्ट शेड हुआ है दैट इज एक्स बिलोंगिंग टू माइनस टेन वन से प्लस टेन वन, ये हमारा क्या हो गया बताओ? डोमेन हो गया। दिस इज व्हाट डोमेन फॉर अस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। आगे बढ़े अपन, इसमें किसी को डाउट है पेपर पूछ लो बच्चों, मतलब अपने आगे बढ़ते हैं फिर। सर ये एक टैन वन कैसे अपने ग्राफ के लिए, वो नहीं समझा। देखो ये जो वैल्यू है वो वाई की वैल्यू होती है, तो हाँ? ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो वाई की वैल्यू वन होती जब, तो वन इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। इस इनवर्स को जब हम लोग इधर लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? एक्स इज इक्वल टू टेन वन। अच्छा बस वैसे आया, ठीक है। चलो तो इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं कैलकुलस? अगर ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है तो इंटरेस्टिंग लगेगा, और अगर ग्राफ में दिक्कत होगी ना तो समझ में नहीं आएगा कि कौन चीज कैसे जा रही है। सर इसमें पाई बाय टू कंसीडर नहीं किया? हाँ क्या कह रहे हो? इसमें पाई बाय टू का कोई लेना देना नहीं है ना इसमें? नहीं, मतलब कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग को तो, हम लोग के लिए रिक्वायरमेंट क्या पोस्ट की कि टेन इनवर्स एक्स को माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए, मतलब इन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में होना चाहिए। हाँ। बस तो ये ब्लू वाला ग्राफ शेड हो जाता, ब्लू वाला पार्ट। ओके ओके, सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ sin इनवर्स 2 times fractional part of x। ठीक है, इसका ब्रैकेट ये है, इसका ब्रैकेट ये है, और ये जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन।
यस बहुत अच्छे शंकर गुड और किसका आंसर आया यस आदित्य जिंदल का भी सही है वेरी गुड नहीं अदिति रॉन्ग है अर्ना रॉन्ग है मोहित का नहीं रॉन्ग है नो दिव्यांश रॉन्ग नहीं तक्षदीप नो मनोज नहीं हूँ ओके चलो लेट्स डू इट हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी मैं कैसे सोचूंगा पहले कॉट इनवर्स से सोचूंगा कॉट इनवर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर कॉट इनवर्स साइन इनवर्स को बोलेगा कि भाई तुम अपना देख लो फिर साइन इनवर्स से पूछूंगा साइन इनवर्स को प्रॉब्लम होती है हां साइन इनवर्स को प्रॉब्लम होती है साइन इनवर्स क्या कहेगा कि जो मेरा इनपुट है सॉरी उसको माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए इट मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को क्या होना चाहिए माइनस हाफ से हाफ के बीच में होना चाहिए इतनी बात समझ में आई अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हाफ होगा कैसे क्या हुआ सिर्फ हाफ से वन होगा क्या हाफ से वन आंसर हाँ, नहीं नहीं हाफ से वन नहीं होगा देखो ऐसे टाइप की चीज को कैसे सॉल्व किया जाता है पहले बताओ वैल्यूज लेके ग्राफ की हेल्प से ठीक है तो हम लोग ने एक बार जल्दी से सर अब उधर पॉजिटिव और नेगेटिव है सो साइन चेंज नहीं हो गया कहां पे पॉजिटिव नेगेटिव है बताओ मैं तो टू को ले जा रहा हूँ ना टू तो पॉजिटिव ही है ना हाँ तो कहाँ थे अपने अपने थे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के ग्राफ ड्रॉ करने के अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ देखो जैसे ये ऐसे होता ये ऐसे होता ये ऐसे होता ठीक है अच्छा ये वाली चीज क्या होती बताओ जल्दी से वन अच्छा हम लोग को हाफ और माइनस हाफ चाहिए मतलब हाफ कहीं यहाँ पे होता और माइनस हाफ कहीं यहाँ पे होता तो हाफ और माइनस हाफ के बीच में जो ग्राफ शेड हो रहा होता वो कैसा शेड हो रहा होता ये हो रहा होता फिर ये हो रहा होता फिर ये हो रहा होता मतलब पीरियोडिक ग्राफ है ये तो है ना तो अब देखो ये जीरो है ये वन है अच्छा ये वाली लाइन कौन सी लाइन होती है इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है बताओ जल्दी से y is equal to x वाली लाइन होती है तो अगर इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हाफ है x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए हाफ तो अगर मैं जस्ट इस ब्लू लाइन के बारे में देखूं तो उसका x पे जो करस्पोंडेंस है x एक्सिस पे करस्पोंडेंस वो कुछ ऐसा होगा तो हम लोग क्या लिखते हम लोग लिखते x बिलोंग्स टू 0 से लेके हाफ तक लेकिन फिर ध्यान है कि क्या ये एक ही बार आता है कि बहुत बार आ रहे होते बहुत बार आ रहे होते ये क्या होता बहुत बार आ रहे होते तो ये तो पीरियोडिक होता तो याद है मैंने
लास्ट क्लास में शायद सिखाया था कि n टाइम्स पीरियड से हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है? 1 होता है, मतलब n इंटू 1, मतलब n हम लोग को हर जगह ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे n इज n बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ इंटीजर्स, ये हमारा डोमेन हो गया। सर x को माइनस हाफ और हाफ के बीच में के बाद का नहीं समझ, क्या हुआ? x को माइनस हाफ और हाफ के बीच में लिया फिर उसके बाद वाला नहीं समझ। माइनस हाफ कहाँ लिया मैंने? ऊपर से। अच्छा ये ओके, देखो ये हाफ हो गया, ये माइनस हाफ हो गया। तुमको ये समझ में आया कि ये सब ब्लू वाले ग्राफ शेड हो रहे होंगे? हाँ सर। ओके, तो मैंने बस इस ग्राफ पे फोकस किया, ठीक है? तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो ये वाली स्ट्रेट लाइन होती है, पहली वाली जो ओरिजिन से पास कर रही होती है, ये y इज इक्वल टू x के इक्वेशन वाली होती है, ठीक है? तो इस पॉइंट का अगर हमारा y कोऑर्डिनेट हाफ है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? वो भी सेम रहेगा, हाफ। तो इस ब्लू वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग जो x एक्सिस पे होता वो ये होता कि नहीं होता? हाँ सर, समझ गया सर, थैंक यू। ओके, अब मैं पूरा ही कर देता हूँ, बाकी लोग भी जिसको भी डाउट हो। तो पहले जीरो से हाफ लिख लिया, लेकिन ये वाली चीज तो बार बार रिपीट हो रही होती क्योंकि ये फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो क्योंकि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है तो हम लोग एन टाइम्स टी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जहाँ पे टी क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो उसका पीरियड वन होगा। तो एन टाइम्स वन मतलब एन, n को ऐड कर दिया हम लोगों ने, जहां पे n इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है? समझी बात सबने? यस सर। यस सर। ओके रति, समझ में आया तुमको? चलो गुड। सो अब हम लोग टाइप थ्री पे आते हैं, दिस वॉज टाइप टू। तो टाइप टू में एक तरीके से हम लोग तो बाहर वाले का ध्यान ही नहीं रख रहे थे, हम लोग किसका ध्यान रख रहे थे? अंदर वाले का ध्यान रख रहे थे, क्योंकि बाहर वाला तो सारे इनपुट्स ले सकता था। टाइप थ्री में सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स आता है, ठीक है? अच्छा, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स क्या कहते हैं? कि उनके इनपुट या तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो जाए या लेस देन इक्वल टू माइनस वन हो जाए, ठीक है? सेक इनवर्स या कोसेक इनवर्स की ये रिक्वायरमेंट होती है, इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू वन और लेस देन इक्वल टू माइनस, ठीक है? तो जैसे एक क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा और का क्या मतलब होता है सॉल्यूशन सेट में? और क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऐड करना, यूनियन, यूनियन लेना, यूनियन लेना रिप्रेजेंट करेगा। वेरी गुड। तो इफ आई राइट सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव, चलो इसको करो, इसका डोमेन फाइंड करना भाई, हर क्वेश्चन में डोमेन ही फाइंड करना है। सर टाइप वन में एंड था क्या बीच में? हाँ, टाइप वन में बीच में एंड होता है। तुम ही सोचो, क्या मैं यहाँ पे एंड लगा सकता हूँ क्या? दोनों तो साइमल्टेनियसली पॉसिबल हो ही नहीं सकते कि इनपुट वन से बड़ा भी हो जाए एंड साइमल्टेनियसली माइनस वन से छोटा भी हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। तो सर लेकिन ये सब आया कहाँ से? ये सब बाहर से आया ना, याद है? ग्राफ, ग्राफ से, ग्राफ से। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया था, या फिर तुम ऐसे सोचो कि हम लोग वाई इज इक्वल टू सेक एक्स लिखते हैं, सॉरी
y is equal to sec inverse x लिखता हूं अगर मैं, तो x is equal to sec y हो जाता है। अब sec कैसा आउटपुट देता है? sec जो है वो 1 से बड़ा आउटपुट देता है या माइनस 1 से छोटा आउटपुट देता है? sec तो पता है ना हम लोग को, ऐसा आउटपुट देता है, ठीक है। सो ऐसा आउटपुट देता है, इसका मतलब x की वैल्यू ये हो गई, और x की वैल्यू ये हो गई, इट मींस कि इनपुट 1 से बड़ा हो जाए या माइनस 1 से छोटा हो जाए। सर व्हाट्सएप पे आंसर भेजा है, वो इसमें टाइप करने में टाइम लगेगा। आदित्य नहीं, रॉन्ग है, नो सॉल्यूशन नहीं आएगा। हाँ सही है, गुड देखी, सही है। भी सही है, शंकर सही है, गुड, अमित का सही है, ओम का सही है, सो हाँ ओम का सही है, सही है। यस आदित्य जिंदल सही। सो sec inverse क्या कहेगा कि मेरा इनपुट या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए या लेस देन इक्वल टू माइनस 1 हो जाए। तो 1 इधर माइनस 1 इधर, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए या ये जो है लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा अगेन रटा रटा है, क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 सॉल्यूशन सेट अवे फ्रॉम द रूट, अवे फ्रॉम, तो इसका सॉल्यूशन सेट आता माइनस इनफिनिटी से 1 यूनियन 4 से इनफिनिटी, ठीक है। अच्छा इसका सॉल्यूशन सेट क्या आता बिटवीन द रूट्स 2 से 3, इसके रूट्स 2 से 3 है, मतलब तुमको उस चीज में तो बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा क्वाड्रेटिक देख के तुरंत रूट्स निकालने के लिए। अब इनका यूनियन लेना है, सो यूनियन मतलब सबको एक साथ ऐड करना है, तो हम लोग ऑर्डर में पहले माइनस इनफिनिटी से 1 आता, फिर 2 से 3 उसके बीच में कहीं आता मतलब उसके बाद आता, फिर उसके बाद 4 से इनफिनिटी आता, तो दिस विल बी आर डोमेन। सर सीधा माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी नहीं होता, 1 से 2 और 3 से 4 नहीं है ना? हाँ देखो 1 से 2 वाले हम मिसिंग है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते थे माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी एक्सेप्ट एक्सेप्ट 1 टू 2 और 3 टू 4 ऐसा, हाँ वैसा भी लिख सकते थे, लेकिन मतलब वो ज्यादा बार दो बार माइनस करना जो है वो अच्छी बात नहीं होती, मतलब अच्छा नहीं लगता वो लिखने में, कभी वैसा ज्यादा लिखा नहीं जाता, ऐसे ही लिख दो, आंसर भी इसी फॉर्म में दिया रहेगा मतलब। ओके अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। सर भेज दिया आपको आंसर। हाँ देखना, हाँ यस आदित्य तन्मय का भी सही है, आरना का भी सही है, वेरी गुड, हाँ आदित्य प्रभाकर सही, अमित रॉन्ग है, ब्रैकेट तुमने गलत लगाया अमित, अदिति का सही है, ओम का भी सही है, दिव्यांश का भी सही है, सब लोग इतने सारे लोग कैसे सही कर गए। हाँ चलो सो साइन इनवर्स क्या बोलता,
माइनस वन के वन बीच में, माइनस वन से वन बोलता। अच्छा टेन इनवर्स क्या बोलता? कोई झंझट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना उसका अगर तुम लिखोगे भी नहीं तब भी चलेगा। sec इनवर्स x क्या बोलता? कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी, ऐसा कुछ sec इनवर्स x बोलता है। अब हम लोग को तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। व्हाट वी आर सपोज टू डू? टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑफ ऑल थ्री ऑफ देम। तो ये हो गया माइनस वन, ये हो गया प्लस वन। तो साइन इनवर्स ये बोल रहा है, टेन इनवर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं, और sec इनवर्स बोल रहा है वन से बड़ा या माइनस वन से छोटा। तो अगर तुम इन तीनों में कॉमन देख रहे होते तो केवल दो पॉइंट्स आ रहे होते, माइनस वन एंड प्लस वन। इसका मतलब डोमेन क्या हो जाता? x बिलोंगिंग टू माइनस वन एंड प्लस वन करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट ये डोमेन हो जाता। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन होता हमारा क्या होता, sec इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये इफेक्ट होता, यस गुड सर। मैंने करवा लिया है क्या? दिखा सकते हो? हाँ सर, मतलब पाई वाले टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। अच्छा ऊपर क्या दिखाना है? ऊपर क्या बोलिए सर? हो गया Yes, a null set. So, हम लोग ऐसे सोच सकते, मतलब देखो दो तरीके से सोच सकते थे। एक ये तरीका सोच सकते थे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आउटपुट क्या देता? आउटपुट जीरो से वन एज एन आउटपुट देता फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सब लोग अग्री करेंगे? अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जीरो से वन एज एन आउटपुट देता तो ये sec इनवर्स को इनपुट मिल सकता था। अब इनमें से कौन कौन से इनपुट्स को sec इनवर्स एक्सेप्ट कर सकता है? कोई भी, किसी को भी नहीं कर सकता। sec इनवर्स तो भाई वन वन या उससे बड़ा या माइनस वन या उससे छोटा, तो मतलब किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तुम ऐसे सोचो तो x तुम कुछ भी दो sec इनवर्स किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहां से x जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? एक नल सेट आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इफ आई वॉन्ट टू सॉल्व प्रॉपरली, जब ये भी प्रॉपरली किया ऐसा नहीं है कि इंटरसेक्शन नल सेट आएगा। जैसे फ्रैक्शनल sec इनवर्स क्या कहेगा कि मेरा इनपुट या तो वन से बड़ा हो जाए या तो माइनस वन से छोटा हो जाए, ठीक है। अब अगर तुम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की ग्राफ की बात करो, अगर तुम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के ग्राफ की बात करो तो से ये वन हो गया। अब वन से बड़े वाले ग्राफ को शेड करने को बोल रहा है, कुछ है क्या वन से बड़े के लिए? नहीं। तो इधर से एक्स बिलोंग्स टू नल सेट आ जाएगा। अच्छा माइनस वन से छोटे वाले की बात कर रहा है, कहाँ पे पहुंच गया बेचारा? माइनस वन से नीचे की बात कर रहा है, कुछ है क्या माइनस वन से नीचे फ्रैक्शनल पार्ट का? नहीं सर, जीरो से नीचे ही नहीं है। यहाँ यहाँ से भी जीरो से ही नीचे नहीं, तो माइनस वन के नीचे कहाँ से होगा?
तो यहां से भी नल सेट, यहां से भी नल सेट, और का क्या मतलब है यूनियन। तो नल सेट यूनियन नल सेट क्या बनेगा, नल सेट ही बनेगा। ठीक है, क्लियर है, ये सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके फाइन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सर आप ये फिर से समझाएंगे ना? एक मिनट समझा रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ये एफ एक्स है, देन फाइंड डोमेन। इस क्वेश्चन को फिर से समझाऊं, देखो इस क्वेश्चन को हमने क्या किया कि जैसे लॉजिकली कैसे सोचा, सेकंड वर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का खुद का रेंज क्या होता है, खुद का जो रेंज होता है फ्रैक्शनल पार्ट का वो जीरो से वन होता है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का खुद का रेंज क्या होता है, जीरो से वन होता है। तो तुम एक्स की जो भी वैल्यू डालो, सेकंड वर्स जो आउटपुट देगा वो जीरो से वन के बीच में देगा। क्या सेकंड वर्स इनमें से किसी को एज एन इनपुट एक्सेप्ट कर सकता है क्या? ये सेकंड वर्स को देन इनपुट मिल रहे होंगे, तो सेकंड वर्स क्या इनमें से किसी को इनपुट एक्सेप्ट कर सकता है? बोलो बच्चों, नहीं कर सकता। सेकंड वर्स तो कैसे इनपुट एक्सेप्ट कर सकता है, वन या उससे बड़े या माइनस वन या उससे छोटे, इनमें से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता मतलब यहाँ पे आप कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं डाल सकते, तो एक्स बिलोंग्स टू अंदर। अच्छा चलो, हाँ ओके। यस शंकर सही है, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। अर्णा का भी सही है, दिव्यांश का भी सही है, अदिति का सही है, आदित्य जिंदल रॉन्ग। मोहित सही है, अर्णा यस गुड करेक्ट, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। ओके अब देखो, एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स कोई खास चीज होती है क्या? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा हुआ है। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये आउटपुट कैसा देता है? जीरो से वन, नॉट इंक्लूडेड। जीरो से वन ओपन, क्या ये सारे आउटपुट जो है वो स्क्वायर रूट को एज एन इनपुट मिलते हैं? इसमें से स्क्वायर रूट किसी को मना कर सकता है क्या? नहीं, सारे को ले सकता है। तो तुम, हम लोग ऐसे लॉजिकली सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, क्या हम लोग ने क्या सोचा कि एक्स को मैं, एक्स क्या फ्रैक्शनल पार्ट क्या क्या इनपुट ले सकता है? फ्रैक्शनल पार्ट कैन टेक एनी इनपुट, कुछ भी इनपुट ले सकता है। तो माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक इनपुट लिया, वो आउटपुट क्या देता, जीरो से वन के बीच में देता, और स्क्वायर रूट जीरो से वन को एज एन इनपुट एक्सेप्ट कर लेता और वो खुश हो जाता। ठीक है, सो हमारा जो डोमेन हो गया, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। ये तो कैसे किया हम लोगों ने इस क्वेश्चन को, लॉजिकली। इसको हम लोग ग्राफ से भी कर सकते थे, वी कुड हैव डन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आल्सो। तो ग्राफ की हेल्प से कैसे कर सकते थे वो देख लेते हैं हम लोग। सो स्क्वायर रूट क्या बोलता,
स्क्वायर रूट बोलता है कि मेरा इनपुट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कुछ ऐसा बोलता है स्क्वायर रूट। अच्छा फिर मैं क्या करता, जैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने के लिए फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ड्रॉ कर लेता अपन। तो फ्रैक्शनल पार्ट का पढ़ बनेगा ये ग्राफ कुछ ऐसा होता। ऐसा ग्राफ होता। अच्छा यहाँ पे जीरो है, तो ये जीरो हो जाता, जीरो वाली लाइन ये हो जाती। अब हम लोग को इसके ऊपर वाला ग्राफ चाहिए, तो इसके ऊपर वाला मतलब इनफैक्ट इस लाइन वाला भी चाहिएगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है ना। इसका क्या मतलब होता, इसका ये मतलब होता कि सारा एक्स एक्सिस कवर हो जाता, और क्योंकि हमारा सारा एक्स एक्सिस कवर हो जाता तो हमारा एक्स क्या होता माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी। समझा? अच्छा जैसे मान लो क्वेश्चन मेरे को ऐसा हो जाए एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन सर, वो ऊपर वाले क्वेश्चन में वो नेगेटिव साइड कैसा होगा? क्या ऊपर वाले क्वेश्चन में सर ये मेथड टू में आपने जो ग्राफ डाला है उसमें माइनस एक्स एक्सिस कैसा है? फिर से बोलो, मेथड टू में जो मैंने ग्राफ बनाया है तो उसमें आपने एक्स एंड वाई एक्सिस में नेगेटिव एक्स एक्सिस क्यों दिया है? क्योंकि ये ग्राफ पूरा होता है ना, इधर से पूरा ऐसे, अगर फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ देखो तो ऐसे पूरा चलता जाता है, इधर भी चलता जाता है इधर भी चलता जाता है। तो अब जीरो से बड़े के लिए तो जीरो से ऊपर वाले के लिए पूरे ग्राफ शेड होते हैं ना, ये ब्लू वाले पूरे शेड हो रहे होते हैं, ये भी शेड होता, ये भी शेड होता, ये भी शेड होता, मान लो आगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस भी शेड हो रहे होते वैसे ही तरीके से, तो पूरा एक्स एक्सिस शेड हो रहा होता। सो नेगेटिव इनपुट कैन आल्सो बी टेकन क्या? तो सर नेगेटिव इनपुट भी ले सकते हैं? हाँ देखो इनपुट तो नेगेटिव ले सकते हैं, अगर जैसे मेरे से कोई पूछे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 3.2 क्या होता है तो ये एक पॉजिटिव नंबर होगा कि नेगेटिव नंबर होगा? ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा ही एक पॉजिटिव आउटपुट देता है, ठीक है? इनपुट तो वो नेगेटिव ले सकता है फ्रैक्शनल पार्ट, लेकिन आउटपुट पॉजिटिव देगा ना। तो तुम देखो यहाँ पे अगर मैं एक नेगेटिव इनपुट भी डालूं तो फ्रैक्शनल पार्ट कैसा आउटपुट देगा? पॉजिटिव आउटपुट देगा, और स्क्वायर रूट को तो पॉजिटिव आउटपुट से, पॉजिटिव इनपुट से ही मतलब है ना। ओके सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। सर वो वन बाय रूट कुछ दे रहे तो वो नहीं दिया क्या? पहले क्वेश्चन दिया था ना कुछ वन बाय रूट का, वो नहीं दिया ना? नहीं नहीं वो वन नहीं दिया ये क्वेश्चन। सर आपने पिछले वाला क्वेश्चन मेरे को था रूट एक्स माइनस वो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इस और डोमेन का आपने एक्स बिलोंग टू माइनस और इनफिनिटी, लेकिन सर तो वो एक्स को अगर माइनस और इनफिनिटी डाल देंगे तो वो रूट में तो माइनस आ जाएगी। नहीं नहीं वही तो मैं बोल रहा हूँ ना बेटा कि
जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट लो, चाहे नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट लो। नहीं सर, वो आपने x माइनस लिखा था ना स्टार्टिंग में, तो x तो नेगेटिव रहेगा ना, तो हाँ सर वो x, x नेगेटिव होगा, लेकिन gif ऑफ x भी तो नेगेटिव बनेगा ना, तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव, तो ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि ओवरऑल नेगेटिव ही होगा। तो सर वो gif, सॉरी सब भेजे हैं। सर गलत है। सही लग रहा है, सही है शायद। जीरो से इंफिनिटी, हाँ जीरो से इंफिनिटी आएगा। तो ये स्क्वायर रूट क्या कहेगा कि उसका जो इनपुट है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो हम लोग ने क्या किया ना, इस एक्स को उधर लेके चले गए, तो हम लोग ने ऐसे लिख दिया इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को पता है कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करके ब्रेक करेंगे। देखो दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लो, कैसे देखो जैसे जीआईएफ का ग्राफ ड्रॉ करने आता है अपने को, जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री, जैसे ये क्या हो गया माइनस वन, फिर ये क्या हो गया माइनस टू, ये वाली थी माइनस टू, ये वाली थी माइनस वन। ठीक है, उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, एक तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ किया और एक माइनस x का ग्राफ ड्रॉ किया। तो एक ग्राफ ड्रॉ किया y इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स और दूसरा ग्राफ ड्रॉ किया y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता, कुछ ओरिजिन से पास करके माइनस वन से ऐसा होता। अच्छा नाउ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि जी आई एफ का ग्राफ माइनस एक्स के ग्राफ से ऊपर हो, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो एंड ग्रेटर देन है ना, मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी आई एफ का ग्राफ माइनस एक्स के ग्राफ के ऊपर हो। तो देखो कौन से एक्स के लिए हो रहा होगा, देखो इस एक्स के लिए जी आई एफ का ग्राफ ये है और ये रेड वाला नीचे है,
फिर अगेन ये ब्लैक वाला ऊपर है, रेड वाला नीचे है, फिर अगेन ये ब्लैक वाला ऊपर है, रेड वाला नीचे है। अच्छा, अगर तुम यहाँ की बात कर रहे हो जैसे इस पोर्शन की, तो इस पोर्शन में रेड वाला ऊपर होता और ब्लैक वाला नीचे होता, तो हम लोग को तो क्या चाहिए कि जी आई एफ बड़ा होना चाहिए माइनस एक्स से, मतलब ब्लैक जो है, ब्लैक वाला ग्राफ बड़ा होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए रेड वाले ग्राफ से। तो वो इस ब्लू वाले के लिए ट्रू हो रहा होता, तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ जाता, एक्स बिलोंग्स टू जीरो से इंफिनिटी, एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, जीरो से इंफिनिटी। सर ये वापस बताएं। देखो ये दोनों ग्राफ ड्रॉ कर लिए, इतना समझ में आया? हाँ सर। अब देखो हम लोग क्या चाहते हैं कि जी आई एफ जो है वो माइनस एक्स से बड़ा होना चाहिए, मतलब जी आई एफ का ग्राफ जो है वो माइनस एक्स के ग्राफ से ऊपर होना चाहिए, ब्लैक वाला ग्राफ जो है वो रेड वाले ग्राफ से ऊपर होना चाहिए, ऐसा सोच रहा हम लोगों ने। तो वो एक्स रेकग्नाइज किए जहां पे ब्लैक वाला ग्राफ रेड वाले ग्राफ से ऊपर है। ओके, सो समझाइए, रेड नीचे जा रहे और ब्लैक ऊपर है। हाँ, ये ब्लैक है, हाँ, और इसके नीचे रेड है। हाँ, बोलो। इसके पिछले वाला क्वेश्चन दिखाइए ना एक मिनट। सर बस इनइक्वालिटी बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। सर मेथड टू। हो गया सर, थैंक यू। अच्छा, जैसे चलो ठीक है, अब मैं होमवर्क देता हूँ, बुकलेट लेके आओ अपनी जल्दी से, दो मिनट में। फंक्शंस एंड रिलेशन सर, नेम क्या? ओके, फंक्शंस। हाँ, कुछ नहीं सर, नेम पूछ रहा था। हाँ, रिलेशन एंड फंक्शन वाली बुकलेट मैं भी खोल लेता हूँ। सर सेट्स एंड इंट्रोडक्शंस के साथ है आप, उसमें जो है पहले स्टार्टिंग में रिलेशंस करके है। हाँ, सेट वगैरह है। हाँ सर, सेट्स एंड इंट्रोडक्शन टू रिलेशंस एंड फंक्शंस ऐसा। नहीं नहीं, जो पहला पेज है उसमें रिलेशंस एंड फंक्शंस लिखा है, जो बुकलेट के ऊपर भी है उसमें रिलेशंस एंड फंक्शंस लिखा हुआ है। सर खाली रिलेशन एंड फंक्शन? हाँ सर। तो ये सेट के साथ वाला कौन सा है? सर उसमें दो पार्ट है, एक रिलेशन एंड फंक्शन और दूसरा सेट वाला। सेट वाला नहीं लेना, रिलेशन एंड फंक्शन लेना। सर दो मिनट दीजिए फिर। सर ट्वेल्थ का बुक है क्या? हाँ, ट्वेल्थ का बुक है वो। सर वो नहीं लिया अब तक मैंने। नहीं लिया अभी तक? नहीं सर, आज ही सेंटर से लेके। ठीक है, जिनके पास है वो लोग प्लीज। सर 11th वाले सेट में नहीं था? नहीं, शायद 11th वाले सेट में नहीं है।
सो 11th वाले सेट में इंट्रोडक्शंस टू रिलेशंस एंड फंक्शंस है बस. सो नया नहीं लाया अभी तक. नया नहीं लाया तो फ्राइडे को लाएंगे. अच्छा अच्छा वाला कब तक लेने मतलब क्या हुआ बताया कब तक लेने जाना है. बहुत पहले बताया था. सर 12th वाला बता दिया होगा. मिल गया. ओके ठीक है जिनको मिल गया है वो लोग देखो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 2 पे जाओ. ठीक है उसमें क्वेश्चन है ना फाइंड डोमेन ऑफ 1/2 प्लस पेज नंबर क्या है. पेज नंबर बता नहीं कुछ 14-15 होगा शायद. सर मिल गया. ठीक है तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 2 में क्या करना है देखो जो डोमेन वाले क्वेश्चन है वो करना है हम लोग को. क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 5. ठीक है उसके बाद जो है वो रेंज वाले क्वेश्चन है उसने. सर एक बार रिपीट करेंगे. लिखा हुआ है सर स्क्रीन पे. कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 मतलब जो क्वेश्चन नहीं दिए वो रेंज वाले क्वेश्चन है. सर नेक्स्ट क्लास से रेंज शुरू करोगे. हाँ नेक्स्ट क्लास से रेंज शुरू करूंगा. अच्छा इनसे रिलेटेड जितने इलस्ट्रेशन हैं ठीक है वो करना है. इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 2 और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 3 से इलस्ट्रेशन से वो करना है. सर स्टेट लेवल में भी थोड़े थोड़े हैं इसके. हाँ मैं आ रहा हूँ तुम टेंशन मत लो. चलो स्टेट लेवल पे आ जाओ. स्टेट लेवल में तुमको करना है 1 से लेके 5 फिर 7 फिर 10, 11, 13 से लेके 17, 28 ठीक है. फिर स्टेट आर्काइव्स में क्या स्टेट आर्काइव्स में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक 10, 11 और 18, 19, 20 ठीक है. ये स्टेट आर्काइव्स की बात हो गई. सर ऐसे क्वेश्चंस पार्ट टेस्ट में आएंगे. अभी जे लेवल लिख लो पहले. जे लेवल में वन से लेके 10 तक फिर क्वेश्चन नंबर 12, 18, 20 से लेके 23 तक 26, 28 उसके बाद 33 फिर 35. अच्छा ये ग्राफ इंक्लूडेड है मतलब ग्राफ वगैरह भी जो पढ़ाया सब कुछ मिला जुला के अभी तक जो पढ़ाया हम लोगों ने.
फिर लेवल टू, ये लेवल वन में था, लेवल टू में 52, 54 से लेके 59 तक, फिर उसके बाद 61 से लेके 63 तक, 65 68 70 के बाद 107 चलो ये हो गया सर। आपने इलस्ट्रेशंस के लिए क्या बोला था? क्या हुआ? इलस्ट्रेशंस के लिए आपने क्या बोला था? कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 2 और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 3 के जो पहले वाले, मतलब उस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग जो इलस्ट्रेशंस है वो। अच्छा, तुम लोग ने वो अरिहंत वाली बुक खरीद ली है? नहीं, डिफरेंशियल कैलकुलस, ये जो चल रहा है वो डिफरेंशियल कैलकुलस है ना। सो जो डिफरेंशियल कैलकुलस वाली बुक है सर, आपने उसका फोटो रीड करनी थी। हाँ, आपने ग्रुप पे फोटो भेजा था वही वाली ना? हाँ हाँ, अमित एम अग्रवाल वाली, अरिहंत स्किल्स इन मैथमेटिक्स, अरिहंत डिफरेंशियल कैलकुलस। हाँ सर, ठीक है, येलो कलर की बुक है। उसमें जो है चैप्टर 3 फंक्शन है, चैप्टर नंबर 3 जो है वो फंक्शन है। उसमें क्या क्या कर सकते हो? देखा जाए सर, वो सेंगेज वाली बुक से कुछ है? हाँ, सेंगेज वाली बुक से नहीं कर रहे ना, तो वो कर रहे ना, क्या कहते हैं, एलजब अरिहंत वाली बुक। देखो उसमें सेशंस हैं, तो सेशन 1 कर सकते हो, सेशन 2 कर सकते हो, सेशन 3 कर सकते हो, सेशन 4। हाँ हाँ, एग्जांपल्स भी करने, सेशन 4 प्रॉपर सॉल्व या फिर बस गो थ्रू। गो थ्रू कौन चीज सर? एग्जांपल्स, एग्जांपल्स भी सॉल्व करने हैं। और जो एग्जांपल्स हैं वो कहाँ तक होंगे? टिल 49, एग्जांपल्स 1 से 49। ये सेशन 4 के जो है वो 49 पे खत्म हो जा रहा है, ठीक है? तो हम लोग ने इतना पढ़ लिया है। सर आप सर, ये कौन सा बुक लिखते हैं? ये वाला, ये क्वेश्चन सी ए टू सी ए थ्री वाला? ये वाला जो है, ये वाला जो बुकलेट है, बुकलेट का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। सर क्योंकि मेरे पास टेक्स्ट है, इंट्रोडक्शन टू रिलेशन एंड फंक्शन की है। नहीं नहीं, वो नहीं है, ये 12th वाली बुकलेट है। ठीक है, मेरे ख्याल से 12th वाली जो बुकलेट का सेट है उसमें तुम्हारे पास होगा। यस सर, जो सेट्स चैप्टर के साथ जो है वो कौन सा है? वो जो है पढ़ा थ्योरी जो पढ़ी थी ना 11th में, उसका है वो। तुम लोग को पढ़ाया जाएगा एकदम एंड में, जब पूरा मैथ्स खत्म हो जाएगा तब वो चीज पढ़ाई जाएगी, रिलेशंस, ट्रांजिटिव, ये सब थ्योरेटिकल टॉपिक। ओके ओके ठीक है,
अरिहंत की डिफरेंशियल कैलकुलस तो आई होप तुमको पता ही है किसकी बात कर रहे हैं। हाँ सर वो पता है। बाय अमित एम अग्रवाल। इतना कर लो टेस्ट में, ठीक है सर? टेस्ट में आ रहे हैं ना? हाँ टेस्ट में यहां तक आ रहा है, डोमेन तक। ठीक है, इसके जो सॉल्ड एग्जांपल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अरिहंत वाले उससे भी गो थ्रू करना। ठीक है yes. okay, so इतना क्लियर है? हाँ सर। चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, एंड मेक श्योर यू डू ऑल दीज क्वेश्चंस, तभी तुमको रेंज में फायदा मिलेगा। और डोमेन और रेंज अगर आ जाता है ना तो हमारे लिए कैलकुलस काफी इजी हो जाता है उसकी अंडरस्टैंडिंग। तो ये करना है? हाँ कब तक सबमिट करना है? ये कब तक तुमको सबमिट करना है? तो जो बुकलेट वाला है, जो बुकलेट वाला है, बुकलेट वाले जो बच्चे हैं वो लोग सबमिट करेंगे आज कौन सा डेट? वेंसडे। ये अराउंड 45-50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बुकलेट वाले जो है। तो बाय फ्राइडे कंप्लीट करो, फ्राइडे तक, ठीक है? और फिर सैटरडे, और फिर उसके बाद जो है ये मतलब कोशिश करो कि फ्राइडे तक ये कंप्लीट हो जाए, और फिर उसके बाद तुमको उसका भी पढ़ना होगा ना, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक का भी पढ़ना होगा, पीएनसी का भी पढ़ना होगा। इसको जो है डिफरेंशियल कैलकुलस को इसको नेक्स्ट वीक सबमिट करना, नेक्स्ट वीक से बाय फ्राइडे। ठीक है? हाँ अगर तुमको जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में इसमें दिक्कत आएगी अब जा आ रही हो अगर से इसमें, सो इन दैट केस व्हाट आई विल सजेस्ट, देखो पहला स्टेप क्या होगा, इसके इलस्ट्रेशंस पढ़ लो पहला स्टेप, ठीक है? फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन करते जाओ, ये दूसरा स्टेप, फिर ये तीसरा स्टेप, फिर ये फोर्थ स्टेप, ये फिफ्थ, ठीक है? अब जे लेवल एक्सरसाइज करने से पहले इसके सॉल्ड एग्जांपल्स पढ़ लो, सिक्स स्टेप, फिर उसके बाद जे लेवल एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर लो, सेवन स्टेप। समझ में आया? यस सर। What about the people without the book? जिनके पास जैसे बुक नहीं है वो लोग पहले एटलीस्ट ये बुकलेट करना स्टार्ट करो, एंड बुक को ऑर्डर कर लो, एक दिन में आ जाती है। मैंने भी कल ही ऑर्डर की थी और आज आ गई, एक दिन में आ गई थी मेरे को। आपने भी क्या बताया? मैंने बताया जैसे कुछ बच्चों ने पूछा कि जिनके पास बुक नहीं है वो लोग के लिए क्या करना चाहिए, तो वो लोग पहले बुकलेट करो, बुकलेट करो, तब तक बुकलेट मिल गई होगी और तब तक बुक ऑर्डर कर लो, अरिहंत वाली बुक, ठीक है? और वो एक दो दिन में आ जाएगी तुम्हारी। फिर ये लिखा है? हाँ फिर वो स्टेप्स लिखे, वन वो स्टेप्स लिखे हैं कि मतलब किस ऑर्डर में करना है?
चीजें जिससे तुम लोग को आसानी हो। ठीक है, चलो ओके। और जिनके पास बुकलेट नहीं है वो लोग कल ही जाके बुकलेट ले लो अपनी 12th की। ओके, ये वाली बुक हो सकता है कि मेरे ख्याल से अरिहंत की बुक ऑनलाइन भी हो, मतलब PDF अगर हो। ठीक है, तो मतलब टेम्पररी बेसिस पे तुम ऑनलाइन बुक परचेज कर लो, लेकिन फुल फ्लेज के लिए एक बुक होनी चाहिए हाथ में, हार्ड कॉपी। ठीक है, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर।